फिर इसके टिंग कवर को हटा लिया जाए। इसके अंदर चार लेयर, सबसे पहले सिरेमिक लेयर, फिर एरामिड फाइबर लेयर, के बाद आती है वर्टेक्स लेयर, लास्ट में आती है पॉलीएथिलीन लेयर। तो सबसे पहले बुलेट सेरेमिक लेयर की इस सेरेमिक डिस्क से टकराएगी, इससे बुलेट की स्मीथ कम हो जाएगी, प्लस बुलेट का स्ट्रीम लाइट शेप कुछ इस तरह से डिफॉर्म हो जाएगा। तो डिफॉर्म होने के बाद बुलेट इस एरामिक फाइबर लेयर से टकराएगी, इससे ज़्यादा मजबूत एक कवर लाइन है। बुलेट के कॉन्टैक्ट आने से ये इस तरह पीछे की ओर स्ट्रेच हो जाएगा और ये बुलेट की काइनेटिक एनर्जी को अब्जॉर्ब करके पूरे सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। इस लेयर को जीतते हुए बुलेट वर्टेक्स लेयर से टकराई। वर्टेक्स लेयर और कुछ नहीं, एरामिड फाइबर लेयर का ही ग्रेटर वर्जन है कि इससे भी ज्यादा मजबूत और शक्तिशाली होता है। आगे बढ़ते हुए हाई टेम्परेचर बुलेट इस पॉलीएथिलीन लेयर के कॉन्टेक्ट में आएगी, तो इस पॉलीएथिलीन लेयर का कॉन्टेक्टर पार्ट पिघल जाएगा और ये बुलेट को इस तरह से जकड़ लेगा। इस तरह बुलेट प्रूफ जैकेट वर्क करती है।